मैं आप सब लोगों को परिचय करा दूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी हैं हमारे बीच में, डॉक्टर पेड़ोलाल जी मीना है कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, श्री कन्हैयालाल जी हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री, और श्री सुरेश सिंह जी रावत जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार, आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित सरकार के हमारे युवा मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, हमारे मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी, मंत्री महोदय माननीय सुरेश रावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रमोद जी, पत्रकार मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता विशेष रूप से राजस्थान कई वर्षों से जिस मांग को लेकर इंतजार कर रहा था, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने इस इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा चुनाव संकल्प पत्र में भी था कि सरकार बनने के बाद हमारी प्राथमिकताओं में उन 13 जिलों में इस योजना को लेकर आना है, और ये मोदी जी की गारंटी है। यही एक अटूट विश्वास है जो जनता के विश्वास पर मोदी जी ने इस योजना को मंजूरी दी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का, और हमारे जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी का, और हमारे तीनों माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। और ये जनहित में किसानों के लिए एक मैं सोचता हूं बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस योजना की स्वीकृति, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई वर्षों से ये मामला चल रहा था, लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दोनों सरकारों में समझौता हुआ, दोनों सरकारों के मध्य समझौता होकर एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, और इस निर्णय से सरकार बनने के बाद लगातार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी से लगातार संपर्क में थे, और कल भी यहाँ से जाकर माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ से इस योजना को मैं सोचता हूँ कि एक उड़ान मिली, और कल ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ, जो 20 वर्षों का विवाद चल रहा था उसमें एक ऐतिहासिक समझौता, एक ऐतिहासिक निर्णय मैं सोचता हूँ एक स्वर्णिम एक अध्याय बनेगा, और ये सर्वांगीण विकास का एक बड़ा योजना साबित होगी। मैं सोचता हूँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों में, राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, इन सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 83 विधानसभा और राजस्थान की आबादी का 40% हिस्से को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय, और हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि जो वादे दिए उनको चुनावी वक्त में याद आए, और सिर्फ आनन फानन में बिना किसी योजना के उनको डिक्लेयर करने की परिपाटी रही है, लेकिन
जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकताओं में ईआरसीपी योजना होगी। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 3 जिलों की 525 एमसीएम पानी उस योजना के माध्यम से योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना से झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिला, इन सारे जिलों में इनकी 83 विधानसभा में इस योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए लोगों को मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास है, जो कहा इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन जो कहा वो करके दिखाया। संशोधित पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना ईआरसीपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के साथ एक स्वर्णिम युग का एक उदय होगा। मैं सोचता हूँ इस परियोजना से दोनों विकास राज्यों के विकास के साथ किसानों के लिए सिंचाई और पेयजल के लिए बहुत बड़ी लंबे समय से जो समस्या चल रही थी उसका सदुपयोग होगा। 2003 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदियों को जोड़ने की योजना की एक शुरुआत हुई थी और उसमें सुरेश प्रभु जी को एक बोर्ड बनाकर उसका चेयरमैन भी बनाया था। लेकिन ध्यान में आता है कि 2004 में यूपीए की सरकार आते ही उस योजना को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से आज इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को, नदियों के पानी को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए उपयोग में आया है। इसके लिए इसकी सुनिश्चितता तय की गई। ईआरसीपी में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, भालपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मैज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन, पुनर्निर्मित बांधों का 26 बांधों का पुनरुद्धार, मैं सोचता हूँ इससे बड़ी संख्या में डैम भरे जाएंगे। बहुत बड़े स्तर पर किसानों को और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 25 लाख से ज़्यादा किसानों को इरिगेशन और पेयजल की उपलब्धता होगी, जिसमें लगभग 40% राजस्थान की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग 2,80,000 हेक्टर भूमि में सिंचाई जल उपलब्ध हो, जो राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था। मैं सोचता हूँ इस परियोजना से वाटर लेवल भी हमारा बढ़ेगा। और इंडस्ट्री के सेक्टर की हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे, इस प्रदेश का रोजगार भी बढ़ेगा। योजना जो कई वर्षों से लंबी थी, निश्चित रूप से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य की उन्नति और प्रगति के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं इसके लिए प्रदेश के यानी भजन लाल जी का, जिन्होंने और सरकार में शामिल हमारे सारे मंत्रियों का, जो सरकार में शामिल सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए इनिशिएटिव लिया, दिल्ली जाकर बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी के बाद हमारे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर कल समझौता किया। हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र जी, इन सब का मैं फिर से राजस्थान की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले 20 वर्षों से मामला विवाद में था, लेकिन कांग्रेस ने मात्र 3 जिलों की योजना बनाई थी और जैसा मैंने कहा कि 525 एमसीएम पानी लाने की उनकी, लेकिन इस योजना से राजस्थान को और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो लोग कह रहे हैं वो अपने तथ्यों के आधार पर बात करें, पहले से अधिक लाभ इस योजना, पहले से ज़्यादा डैम इस योजना के माध्यम से राजस्थान को फायदा होगा। ये कांग्रेस ने जो पिछली बार का प्रोजेक्ट बनाया था वो कह रहे थे 2051 में हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये बीजेपी की सरकार में बन चुका था। इन्होंने 5 साल सिर्फ बातें की, काम नहीं किया, लेकिन इस सरकार में
देगा। नहीं, मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब, अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने इसका टारगेट जो रखा वो 2051 का था पूरा कर दिया, अब बीजेपी का टारगेट क्या है, कब तक पूरा होगा? ये आ जाएगी आवाज, आ जाएगी। ये पिछले कांग्रेस के राज में जानबूझकर जैसे ही कांग्रेस की पिछली सरकार आई, गहलोत साहब का राज आया, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को पत्र लिखा था कि ईआरसीटी की योजना हम लागू करना चाहते हैं, हमें आपकी सहमति चाहिए, तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया, हम सहमति नहीं दे रहे। और मना करने का कारण था ईआरसीटी की जो योजना बनी थी वो 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर बनाई थी, और ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने योजना बनाई, ये योजना वसुंधरा सरकार ने बनी थी जो आप आज मूर्त रूप ले लिया है। CWC जो केंद्रीय जल आयोग है वो टेक्निकली ये चाहता था, और जो भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई है उसके लिए 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट वाटर 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश से सहमति मिलना मुश्किल था। अब इसमें ERCP प्लस BKC पार्वती काली से जो नदी है BKC उसको लिंक किया है, अटल जी के टाइम पे चिन्हित हुई थी, तो ERCP के साथ उस लिंक को अटल जी के समय कमेटी ने चिन्हित की थी, उसको जोड़ दिया गया है, तो पानी मध्य प्रदेश को भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। हमको जितना पानी ERCP में मिलना था उसमें 1 MCM भी कम नहीं हुआ, 3510 MCM था, तो पूरा पानी हमको मिलेगा और 2,10,000 हेक्टेयर 80,000 हेक्टेयर तो वो जो पहले से सिंचित हो रही है उसके स्टेबलाइजेशन, और 2,00,000 हेक्टेयर नई भूमि इससे सिंचित होगी। प्रधानमंत्री जी ने 13 जिलों के किसानों का भाग्य खोलने का काम ये किया है, और ये डबल इंजन सरकार का परिणाम है। यहाँ जनता BJP की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, और जो संकल्प पत्र में हमने घोषणा की थी, संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ERCP को पूरी करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्रियों को, और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को और गजेंद्र सिंह जी को, कि इसका कुछ ही समय में इस ERCP को मूर्त रूप दे दिया और राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गया। आप जानते हैं कि इसको इसलिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुआ कि इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एक स्टेट होती है वो राष्ट्रीय परियोजना उसी स्थिति में घोषित हो सकती है कि उसकी 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी बगल की स्टेट की होनी चाहिए, तो 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व है इसलिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई है। 90% जो इसका खर्चा है वो केंद्र वहन करेगा और 10% राजस्थान और मध्य प्रदेश वहन करेंगे। इससे अच्छा कोई फैसला हो नहीं सकता। 13 जिलों के लोगों के लिए लाइफ लाइन है, और पहले गहलोत साहब बयान देते रहते थे या तो केंद्र उसको पूरा करे नहीं तो हम पैसा मिलेंगे, पैसा कहीं नहीं था, खजाना पूरी तरह से खाली करके गए। बताया जाता है कि 5,78,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान पर छोड़ा है रेवड़िया बांट के, रेवड़िया कैसे बांटी मैं विरोध नहीं करता किसी जिले का, लेकिन दो जिला बनाया मिल गया। मैं आपके कितने थाने, उनके 3 थाने हैं, मैं यहाँ से पहले था अंधा में तो 6 थाने थे जब डिवेस भी था, और अब SP होने के बाद भी 3 थाने हैं। इस प्रकार से रेवड़ी बांट के राजस्थान की जनता को गुमराह करके गहलोत सरकार वोट लेना चाहती थी, लेकिन राजस्थान की जनता उनकी चाल को समझ गई और ERCP का सपना
पूरा हो गया और ये किसी क्षेत्र को तो विपक्ष कभी है, लेकिन भरपूर मदद भरपूर प्रगति राजस्थान के 13 जिलों में चलिए पूरा समय रहता ही है। पूरा तो एक अस्पताल को बनाते हैं तो एक जगह तो हो नहीं जाता, वो दो साल चलता है, एक साल भी चलता है, पूरा तो समय लगता है। तो घर बनेंगे, पानी का बैराज बनेंगे, डैम्स बनेंगे, हमारे वहाँ सवाई माधोपुर में दूर दूर में डैम बनेगा, वो डैम 20 साल से दुगनी कैपेसिटी का होगा और 20 साल को अकेले कितना टाइम लगा है उतना टाइम तो उसमें लगे नहीं, तो अनेक प्रयास अनेक डैम बनेंगे, समय लगेगा, लेकिन ये बजन लाल जी भागीरथ बन के आए और ये चंबल का पानी और कांग्रेस ने सिर्फ बातें की हैं बस। चले अभी इसको डीपीआर रिवाइज होगी क्योंकि 37,000 करोड़ पुराना डीपीआर था, नई डीपीआर होगी तब पता लगेगा। एक और काम हुआ है इसमें, पिछली सरकार ने उदाहरण के तौर पर एक जिला बताता हूँ, दौसा, वहाँ इरीगेशन के 13 डैम थे, केवल एक को ही जोड़ा था पूरे को, बाकी 12 बांध छोड़ दिए थे। इसमें 12 बांध सभी जिलों के बांध को रिवाइज डीपीआर में जोड़ा जाएगा और करीबन 40% आबादी को भरपूर पानी दिया जाएगा और 13 जिलों में भेजने का काम कर रहे हैं। रामपाल जाट बोल रहे हैं कि इससे जयपुर को पानी कम मिलेगा और जो 13 ईआरसीपी चले पानी कम नहीं मिलेगा। देखो जितना भी बरसात में पानी आएगा वो सारा का सारा मिलेगा। अब कभी बरसात नहीं हो तो पानी कहाँ से आएगा तो बांधों में, लेकिन बरसात का जितना भी पानी बहकर बेकार चला जाता है 13 जिलों के हर सिंचाई के जो बांध हैं उनमें पानी जाएगा और इसमें 2,10,000 हेक्टेयर भूमि नई सिंचित होगी, 80,000 हेक्टेयर जो भूमि पहले से सिंचित हो रही है उसकी भी गारंटी होगी, स्टेबलाइज होगी। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी डीपीआर थी 2017 की, हाँ, उसमें 3510 पानी मिलना था, हाँ, मिलियन घन मीटर, हाँ, MCM, और अब जो मिल रहा है वो 2454 मीटर। नहीं नहीं वो गलत कह रहे हैं आप, वो जो समझौता है उसमें देख लें 3510 MCM पानी मिलेगा जो ओरिजिनल ERCP में मिलने वाला था। ये इसलिए PKC इसके साथ जोड़ी है, पार्वती कालीसिल चंबल लिंक की राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए क्योंकि दो स्टेट का मामला हो गया। अब ये रिवाइज DPR होगी तो हो सकते हैं 50,000 करोड़ तक पहुंचे, पर ये एक 13 जिलों के लिए लाइफलाइन है। ERCP तो मिल गई, अब केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, राजस्थान को क्या कुछ उम्मीदें लगाए इस बजट से? अब PKC सबसे बड़ा ERCP प्लस PKC दे दिया 50,000 करोड़ का, और भी कोई नई चीज़ मांगेंगे? मैं एग्रीकल्चर में मांगूंगा, राजस्थान को देते रहेंगे डबल इंजन जा रहे हैं घूमने के लिए, कुछ ऐसी हुआ है कि आपने इजराइल वगैरह किसके लिए? नहीं मेरे, आपने अच्छा सवाल पूछा, 7 फरवरी को इजराइल के एम्बेसडर आ रहे हैं अपनी टीम के साथ और जयपुर में उनके साथ मेरी मीटिंग होगी। जब इजराइल विकसित हो सकता है तो वो तकनीकी हम अपनाएंगे, तो हमारे जो दौरे हैं जो हमारा जिसको सूखा राज्य कहते हैं उसको कैसे इजराइल की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है उस बारे में उनसे चर्चा होगी और इजराइल की तर्ज पर और बाकी देशों की तर्ज पर धरातल पर चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो उनको लागू करना और कोई नई तकनीकी मिलती है तो उसको प्रयोग करके किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना ये हमारा उद्देश्य रहेगा, विशेषकर मेरा क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और गाँव का रहने वाला हूँ, तो गांव का विकास करना और किसान को मजबूती देना ये मेरा काम है। डॉक्टर साहब, रामगंज में विरोध हो रहा है, कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा हो रही है, ये आपको लेकर विरोध किया जा रहा है, 2,000 से ज़्यादा लड़कियां सड़क पर बैठे हैं। देखो ये आप कितने देशों में जा, खुद मुस्लिम कंट्रीज में आप कही है, मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं आपको बता दूंगा, उसमें भी हिजाब और ये बुरका पहन के चलती है उस पर प्रतिबंध है, तो अपने देश में तो नहीं होना चाहिए ये हिजाब और ये बुरका। जो आक्रमणकारी आए थे जो मुग़ल हैं काफ़ी वर्षों तक जिन्होंने राज किया उनकी देन है, ये छोड़ना चाहिए, गुलामी के चिन्ह अपने देश से हटने चाहिए। बहुत धन्यवाद।
इंडस्ट्रियल वाटर देखो ऐसा है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बना है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, किसानों की विभूति होगी, और जो 13 जिलों में सैलिनिटी है वो ख़त्म होगी और लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। ठीक ठीक है, ठीक है
Thank you.